अगर आपके पास मोटो वन एस 5G है एंड मसला ये है कि दोस्तों फोन स्टक हो गया है लोगों पे, इससे नेक्स्ट लोगो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आके स्टक हो गया है, फ्रीज रहता है, आगे नहीं बढ़ता, कंप्लीटली ऑन नहीं होता है। दोस्तों कैसे फ्लैश करना है विदाउट पीसी, दोस्तों हमने वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। जैसे ही दोस्तों आपका फोन कम्प्लीटली पावर ऑफ होगा, इन दोनों बटनों को छोड़ के आपने दोबारा से प्रेस कर लेना है। डिस्प्ले आने पे दोस्तों आपने दोनों बटन छोड़ देने हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह का रिकवरी मोड आ जाएगा और हमने वॉल्यूम डाउन से आना है दोस्तों रिकवरी मोड पे, पावर बटन से हम ओके करेंगे। दोस्तों यहां पर हमारे पास इस टाइप का लोगो आ जाएगा और दोस्तों हमने पावर बटन को प्रेस करके रखना है एंड वॉल्यूम अप को प्रेस करके छोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह के मेन्यू आ जाएंगे, इसमें हमारे पास बूट लोडर आ गया है, फास्ट बूट का भी ऑप्शन है और दोस्तों हमने आना है वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट पे। यहाँ पे दोस्तों आपको बता जाऊँ कि इस प्रोसेस से आपका फोन कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा, फुल ऑन हो जाएगा, लेकिन आपके फोन में दोस्तों जितना भी डेटा है वो सब नहीं आएगा, वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका होता है। तो हमने करना है फोन को वाइप। ये दोस्तों फोन हमारा जो है फॉर्मेट हो चुका है, अब फोन को दोस्तों हमने रिस्टार्ट करना है। दोस्तों रिस्टार्ट में 5 से 10 मिनट का टाइम भी लग सकता है, तो मेक श्योर अगर आपके फोन की बैटरी लो है तो आपने फोन को चार्ज पे लगा लेना है। तो अभी हम करते हैं वेट। तो देखिए दोस्तों फोन हमारा कंप्लीटली ऑन हो चुका है, आपने दोस्तों फोन को करना है सेटअप एंड एंजॉय करना है। दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।